हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मैंने एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने माइनक्राफ्ट के सर्वर के अंदर गूगल मैप जैसा मैप कैसे ऐड कर सकते हैं। एंड देखो, मैप तो ऑलरेडी एडिड है, बट उसे कैसे आप देख सकते हैं कि कहाँ पर किस किस ने घर बना रखा है, कौन सी लोकेशन है एंड कहाँ पर किस लोकेशन पर प्लेयर खड़ा है, ठीक है, क्या वो कर रहा है, सारी चीज़ें आप ए से लेकर जेड तक देख सकते हैं। उसके लिए एक प्लगइन यूज़ होता है, वो है डाइन मैप, ठीक है, डायना मैप ऐसे बोलते हैं। एंड इसे आप पूरा सेटअप करके, एंड जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था जो कि आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर मैंने आपको अर्थ का मैप बताया था। तो अब अर्थ के मैप को रेंडर कराना है उस मैप के अंदर, ठीक है, कि एक लिंक के ऊपर जाकर कोई भी इजीली देख सकता है कि भाई इस सर्वर के अंदर लोगों ने क्या क्या एक्टिविटी कर रखी है, बाकी सारी चीज़ें, लिटरली बहुत ज़्यादा चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। सो ये सेकेंड पार्ट रहेगा। एंड थर्ड पार्ट के अंदर मैं और भी चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको वीडियो के अंदर बता ही दूंगा कि थर्ड पार्ट के अंदर क्या रहेगा। ऑल्सो थैंक यू सो मच, आपने फर्स्ट वाली वीडियो पे जो कि फर्स्ट पार्ट था उसका बहुत बढ़िया क्रेजी रिस्पॉन्स दिखाया, मैंने 40 लाख कहे एक दिन के अंदर, तो खैर आपने नहीं करे, 2 दिन के अंदर करे कोई नहीं, लेकिन करे आपने, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को पे भी 40 लाख कर देना जिससे मैं थर्ड वाला पार्ट इसका ला सकूँ जल्दी से जल्दी। इस पर अगर एक दिन में करा दोगे तो एक कल यानी कि आज अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपने करा दिए 40 लाख तो कल को नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि होने का नहीं है मेरे को लगता है, देखते हैं। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कर दो यार कर दो। डायना मैप है और यहाँ पे लिखा हुआ है ये गूगल मैप लाइक मैप, ठीक है, इनमें माइनक्राफ्ट सर्वर, तो वही चीज है दोस्तों। सो उस प्लगइन को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है डायरेक्ट, मैं आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड सर्वर पर अपने स्टॉप कर लेना है मिक्स हुआ, सबसे पहले आपने अपने सर्वर का ना एक बैकअप बना लेना, क्योंकि देखो अभी हमें वो चीज़ जो कह रहा है उसमें हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए कोई, तो सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि अगर मैं कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ अपने नए सर्वर में तो मैं बैकअप जरूर बना देता हूँ। एंड फिर बैकअप बनाने के बाद आपको प्लगइन को अपलोड कर देना है, ठीक है, तो अभी मैंने ये डाउनलोड करा है। तो उसे अपलोड करने के बाद हमें अपना सर्वर को कर देना है, चालू कर देना है, ठीक है। जैसे जितने देर में अपना सर्वर चालू हो रहा है, एक चीज़ अगर आपको करनी है, यहाँ पे ना सर्वर के अंदर एक नेटवर्क का सेक्शन रहता है, ये नेटवर्क का सेक्शन में आपको एक क्रिएट एलोकेशन कर देनी है, ठीक है। तो जैसे आप करेंगे तो एक एक न्यू पोर्ट बनकर आ जाएगा जो कि आपके सर्वर का ही पोर्ट होगा, तो इसे हमें यूज़ करना रहेगा। एंड नोट में आप डाल देना वैसे एज अ मतलब याद रखने के लिए डायना डाइन मैप, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। एंड जिससे मेरे को आइडिया रहेगा कि भाई ये पोर्ट मैंने किस लिए क्रिएट करा था, एंड डिलीट ना कर दूँ मैं, ठीक है। एंड जो मैं होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ क्लाउड लैग है, और क्लाउड लैग में अगर आपने मतलब पेड होस्टिंग आप लेना चाहते हैं तो आप क्लाउड लैग ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सही होस्टिंग है। एंड ये जो अर्थ का मैप है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर आप मतलब इजीली सारी चीज़ों का सेटअप कर सकते हैं। हमारा सर्वर भी चालू हो चुका है, एंड फाइल्स के अंदर जाकर प्लगइन्स के अंदर जाना है हमें, ठीक है, प्लगइन्स के अंदर हमें डायना मैप का फोल्डर दिख जाएगा, यहाँ पर आपको जो जो चेंजेस करने हैं मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन .txt जो फाइल है उसके अंदर हमें आ जाना है। यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो आपको सबसे पहले स्टोरेज का काम करना है, यहाँ पर अभी देखो फाइल ट्रिगर की स्टोरेज का इनका खुद का है तो इसे हमें यूज़ नहीं करना, ठीक है, हमें जो यूज़ करना है वह है SQLite, तो जो यूज़ नहीं करना उससे पहले मैं हैश लिया है, एंड SQLite मेरे को यूज़ करना है तो मैं इस चीज़ को अलाउ कर देता हूँ, मैंने हैश को काट दिया, ठीक है, हैश से काटेंगे तो एक चीज़ और करनी है दोस्तों आपको जो कि 357 लाइन पर दिखेगा, ठीक है, हमारा आ गया ये 357 लाइन पर वेब सर्वर पोर्ट, ठीक है, जो हमने अभी पोर्ट क्रिएट करा था नेटवर्क में जाके वह पोर्ट आपको डाल देना है 5578, ठीक है, ये पोर्ट डाला एंड सेव करा। सेव करने के बाद अभी जो हमारा सर्वर है वह हम प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है, मतलब रिस्टार्ट कर लेते हैं। रिस्टार्ट करने से होगा ये कि जो पोर्ट हमने डाला था वहाँ पर अब हमारा जो सर्वर है वह अब चलना चालू हो जाएगा। तो देखो जो हमारी आईपी है उसे ले लेते हैं, ठीक है, आईपी को हमने लिया, आईपी लिया, कॉपी करा, कॉपी करने के बाद हमें न्यू टैब में जाकर इस आईपी को हम पेस्ट करेंगे, ठीक है, पेस्ट करने के बाद जो हमारा अभी नेटवर्क के अंदर आपको जाना है एंड जो हमारा पोर्ट था उसे हम कॉपी कर लेंगे और उस कॉपी करे हुए पोर्ट को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अभी देखो जैसे हमारा सर्वर चालू हो जाएगा तो हम उधर जाएंगे एंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अभी बस हमारा सर्वर चालू होने वाला है एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि वो जो सर्वर का जो पेड है वह वर्किंग है। तो दोस्तों हमारा सर्वर चालू हो चुका है एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो वेब सर्वर स्टार्टेड हो गया है इस आईपी पे, तो ये जो हमारा आईपी था ये हमारा आईपी है, ठीक है, आपको ये सर्वर मतलब ये जो अब ये ना एक लिंक बन चुका है, ठीक है, इस लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, एंड कोई भी आकर देख सकता है कि आपके जो ये सर्वर है उसके अंदर कहाँ कहाँ पर कौन कौन प्लेयर है और क्या क्या ग्राइंड कर लिया है। अभी देखो आपको ये काला काला दिखाई दे रहा है, काला दिखाने देखने का रीज़न यही है कि जो आपका सर्वर है वह अभी रेंडर होने उन्होंने चालू नहीं करा, तो अभी हमें अपना माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेते हैं एंड मैं आपको सारी कमांड्स बता देता हूँ कि क्या क्या वर्क होंगी, ठीक है। मैं जैसे सर्वर के अंदर आया तो देखेंगे मैं स्पॉन पर ही आया हूँ, ठीक है, एंड इसने मेरे को यहाँ पर दिखा भी दिया कि कन्हैया जाएगा ज्वाइन हो गया,
और ज्वाइन होने के बाद ये आपको दिखा रहा है। तो अब मैं यहाँ के तीन चार फीचर्स बताता हूँ। यहाँ पर आप राइट साइड में देखो, जहाँ पर भी मैं पर्सन लेकर जाऊँगा यहाँ पर लोकेशन यहाँ पर शो करेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में लोकेशन दिखाएगा, एंड पर ये टाइम दिखा रहा है कि क्या हो रहा है करके। ऑल्सो यहाँ पर सबसे बॉटम में आप देखेंगे तो ये एक वो है, मतलब किसी को अगर कुछ भी लिखना है तो यहाँ पर लिख सकता है हेलो, एंड जैसे वो लिखेगा तो सर्वर के अंदर भी वो है पहुंच जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे को हेलो लिखा गया। एंड ऑल्सो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये आपको प्लेयर दिखा देगा कि कितने प्लेयर हैं, जैसे अभी मैं एक ही हूँ तो यहाँ पर वन दिखा दिया। एंड ऑल्सो ये सरफेस तीन मोड यहाँ पर हैं टाइप, एंड ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हूँ। मैं आपको बताऊँगा इन सबका क्या रोल है। तो अभी मेरा ये मैप भी धीरे धीरे रेंडर होना चालू हो गया है, आप अगर देखेंगे ध्यान से। एंड अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो जैसे जैसे मैं मूव करूँगा वैसे वैसे यहाँ पर भी दिखेगा कि इस बंदे ने मूव करा है। एंड मैं ओपी नहीं हूँ तो ओपी ले लेता हूँ, ओपी मैंने ले लिया। एंड लेने के बाद देखो जो कमांड है वह मैं बता देता हूँ, डायनामैप, ठीक है, डायनामैप। एंड अगर आपको देखो फुल रेंडर करना है कि एक बार में मतलब आप ये कमांड चलाते हैं धीरे धीरे वो खुद रेंडर होता रहे, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें समय लग जाता है, चीज़ें होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि एक्चुअल में ये देखोगे ना आप तो ये मैप है बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा मैप है, ठीक है। इसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ तक ऐसा एक्सप्लोर कर लिया, जितना ज़्यादा प्लेयर एक्सप्लोर करते जाएंगे उतना ज़्यादा चीज़ें खुलती चली जाएंगी। एंड वही सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि जितना ज़्यादा प्लेयर घूमेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे चंक लोड होते चले जाएंगे, एंड यहाँ पे दिखाना चालू कर देगा, ठीक है। तो अभी अभी अगर आप फुल रेंडर करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, जैसे आप करोगे तो ये फुल रेंडर स्टार्ट हो गया है। एंड अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल की कमांड यह है, कैंसिल रेंडर, ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा रेंडर होना। एंड वही सारी चीज़ें हैं, अभी देखो फुल रेंडर होना चालू हो गया तो और भी चीज़ें दिखा रहा है, और चीज़ें आप कर सकते हो। देखो अभी मैं ये कैंसिल रेंडर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को और चीज़ें भी दिखानी है आपको। एक और रेडियस रेंडर, ठीक है, ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, एंड इससे बेनिफिट ये रहता है कि आपने मतलब जहाँ पर आप हो उसके रेडियस में ये रेंडर होना चालू हो जाता है, तो वही पार्ट होगा रेंडर जो आप चाहते हो। अभी देखो 1000 मैंने लिखा है तो 1000 बाय 1000 ब्लैक ब्लॉक का, अभी जैसे मैंने स्टार्ट करा तो यहाँ पर लिखा है रेंडर ऑफ 1000 ब्लॉक और रेडियस स्टार्टेड ऑन वर्ल्ड वर्ल्ड, ठीक है, ये यहाँ पर चालू हो गया। एंड बहुत तेज से फिर ये अभी देखो कितना ज़्यादा हो गया, एंड जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा आपको ये रेंडर होता हुआ दिखा देगा। एक चीज़ और है दोस्तों, अभी मैं आपको बताया था देखो मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है, हमारा मैप मैंने एक्सट्रैक्ट करा था तो उसका ये फोटो था, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अभी जो मैं हूँ ना वो हूँ इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर। एंड जो इंडिया का जो है वह है ये, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होंगी। एंड जितना ये आप देख रहे हो इतना अगर आपको करना है तो भाई इसमें लगेगा थोड़ा ज़्यादा समय, हो सकता है कि ये 3-4 दिन में हो जाए, वो डिपेंड करता है आपके सर्वर के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर। तो मैंने जिस हिसाब से ये सर्वर ले रखा है 6 GB रैम का है, तो मेरा होने में लगभग 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा डिटेलिंग का काम है। एंड फुल रेंडर अगर आप कर देंगे तो भी बढ़िया रहेगा, ठीक है, उससे आपको फिर चिंता करने की बात नहीं है, धीरे धीरे वो खुद ही रेंडर होना चालू हो जाएगा। एंड वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि फास्ट रेंडर कैसे कर सकते हैं, जो कि मेरे को पता है उस पर एक दो प्लगइन अगर है जो कि डालकर आप कर सकते हैं, अगर आप एक्चुअल में वीडियो चाहते हैं तो बता देना, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, एंड ऑल्सो जो अभी थर्ड पार्ट में आपको बताऊंगा वह मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जितना भी मैंने बताया है, अभी देखो ये रेडियस रेंडर हो रहा है, एंड आप देखेंगे यहाँ पर रेंडर वही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जो कि आप पढ़ सकते हैं इजिली। अभी एक चीज़ और है, थर्ड वीडियो में जो आपको मैं बताऊंगा वह मैं बताऊंगा कि अभी देखो ये जैसे लाइव मैप में जा रहा हूँ, एक दूसरे किसी लोगों का है, तो यहाँ पर देखो ये चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो एक बंदा ये अपने रीजन के अंदर है, ये आप कैसे कर सकते हो, कलर ऐड कैसे कर सकते हो, एंड खुद का अपना रीजन कैसे बना सकते हो, बॉर्डर टाइप, ठीक है। एंड ऑल्सो जैसे आप ये देख रहे हो फ्लैग दिख रहा है, तो इस बंदे ने अपना नेम दे रखा है किंगडम ऑफ, ऐसे करके मतलब ये आप मार्कर कैसे लगा सकते हो, और साथ ही साथ ये कलर ऐड कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो उस वीडियो को 40 लाइक करा देना, मैं थर्ड पार्ट के अंदर ये बता दूंगा, ठीक है, डिटेल के अंदर सारी चीज़ें। तो यही था दोस्तों वीडियो, अगर वीडियो वैसे अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।